स्टार्ट योर डे विथ साइलेंस। इस दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है लेकिन सफल हो नहीं पाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान कभी भी सफल होने के तरीके को जानने की कोशिश नहीं करता है। और सफल होने के तरीके में से एक सबसे बड़ा तरीका यह है कि आपको दिन की शुरुआत साइलेंस के साथ करनी चाहिए। जैसे कि जब भी आप उठते हैं तो उठने के 1 से 2 घंटे आपकी बिल्कुल शांति के साथ बीतने चाहिए। सफल व्यक्ति शांति से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ही अपने पूरे दिन को मैनेज करते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता को जरूर हासिल करते हैं। इसीलिए यदि आप भी सफलता के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो स्टार्ट योर डे विथ साइलेंस। नंबर 2, खुद को अच्छा बोलें। खुद को अच्छा बोलने का मतलब है अफर्मेशंस। और अफर्मेशंस का मतलब कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी लाइनें जिनको आप हर दिन खुद को पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल सकती हैं। इसलिए जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तो 5 मिनट के लिए कम से कम खुद को कुछ अच्छा बोलें। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, खुद के प्रति अपना नजरिया बदलता है और खुद के प्रति आपकी सोच अच्छी बनती चली जाती है और आप अपनी नजरों में उठ जाते हैं। और जो व्यक्ति एक बार अपनी नजरों में उठ जाता है उस व्यक्ति को नीचे गिराने का कोई तरीका नहीं होता है। तो अपने दिन की शुरुआत अफर्मेशंस के साथ करें। नंबर 3, बिलीव इन योर सेल्फ। कहते हैं कि कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे तो गम न कर। खुद से बड़ा दुनिया में कोई हम सफर नहीं होता है। इस दुनिया में यदि आपके साथ कोई भी नहीं है लेकिन आपका आत्मविश्वास आपके साथ है तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आपके साथ चाहे पूरी दुनिया हो आप फिर भी आगे नहीं बढ़ सकते। खुद पर विश्वास के साथ आप अंधेरे में भी उजाला कर सकते हैं। आत्मविश्वास के दम पर आप इस दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए जीवन में आपके साथ कुछ हो या ना हो लेकिन आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए। नंबर 4, गिव योर माइंड राइट डायरेक्शन। आपने देखा होगा कि हमारा माइंड पिक्चर के अंदर चीजों को देखता है, तरह तरह की चीजों को विजुलाइज करता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर एक समय पर अलग अलग तरह की चीजें चलती रहती है और उस वजह से हम कभी भी एक जगह पर अपना फोकस नहीं बना पाते। और जब तक आपका फोकस एक जगह पर स्थिर नहीं होता है तब तक आप अपनी जीवन में सफल नहीं हो सकते। अपने लक्ष्य पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए आपको फोकस की आवश्यकता पड़ती है और फोकस को बनाए रखने के लिए आपके माइंड का सही दिशा में काम करना जरूरी होता है। यदि आप अपने माइंड को भटकाने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड अवश्य भटक जाएगा। लेकिन यदि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलते हैं कि मुझे जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना है तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी दिशा में कार्य करने लग जाता है और आप सफलता की राह पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। नंबर 5, डू एक्सरसाइज एवरी डे। फिजिकली एक्टिव रहने से आप मेंटली एक्टिव बने रहते हैं। मेंटली एक्टिव रहने से आपकी माइंड के अंदर नए नए विचार आते हैं जिसकी मदद से आप अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जब आप सफल लोगों के जीवन को बारीकी से पढ़ते हैं तो आपको मिलता है कि सभी सफल लोग अपनी सफल आदतों के अंदर फिजिकल एक्टिविटी को जरूर शामिल करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आपके मूड को बेहतर बनाने में मददगार होती है। यदि आपके पास फिजिकल एक्टिविटी करने का अधिक समय नहीं है तो आप प्रतिदिन 20 मिनट के लिए फिजिकल एक्टिविटी अवश्य करें।